नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला रात न्यूज और मैं हूं आपके साथ। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रोटरी इंटरनेशनल यूं तो अनेकों राहत कैंप लगाकर लोगों की सेवा करता ही है। इसके अलावा भी यदि कोई पीड़ित इन तक पहुंच जाए तो भी ये पीड़ित की हर संभव मदद करते हैं। ऐसा ही एक मामला रोटेरियन संजय तिवारी के संज्ञान में आया, जिसमें एक 2 साल की बच्ची का केस आया। इस छोटी सी बच्ची के हाथ में 1 साल पहले फ्रैक्चर हो गया था। सारे पानी बबलिया की रहने वाली सेवकली मरकाम को उसके पति ने छोड़ दिया था। सेवकली अपनी बेटी गंगावती उम्र 2 साल के साथ मायके में रहने लगी। सेवकली की बच्ची गंगावती सोते समय दुर्घटनावश हाथ में फ्रैक्चर हो गया। पैसों के अभाव और शहर दूर होने के कारण झोलाछाप डॉक्टरों ने 1 साल में इस बच्ची का हाथ लगभग बेकार ही कर दिया था। इस संबंध में जब रोटेरियन संजय तिवारी को पता चला तो उन्होंने डॉक्टर चैतन्य धावर्डे के पास इसे दिखाया, जिस पर डॉक्टर ने तत्काल सर्जरी की आवश्यकता महसूस की और डॉक्टर गुरमोहन सिंह के सहयोग से हेल्थ केयर सेंटर में निशुल्क सर्जरी की गई। साथ ही हेल्थ केयर सेंटर के संचालक डॉक्टर गुरमोहन सिंह ने भी अपने हॉस्पिटल में इस बच्ची के इलाज और भर्ती की समस्त सुविधाएं निशुल्क मुहैया कराई। ऑपरेशन के दौरान रोटेरियन डॉक्टर लिली सुसन निश्चेतना विशेषज्ञ ने भी अपनी निशुल्क सेवाएं देकर पीड़ित मानवता की सेवा का एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया। रोटेरियन डॉक्टर संजय तिवारी ने समस्त रोटरी क्लब की तरफ से डॉक्टर गुरुमोहन, डॉक्टर चैतन्य एवं डॉक्टर लिली को धन्यवाद दिया। अब बच्ची पूर्णतः स्वस्थ है। 2 से 3 बार फॉलोअप के बाद बच्ची का हाथ पूरी तरह काम करने लगेगा। लगभग 2 साल की एक बच्ची है जिसका नाम गंगावती है। ये मंडला जिले में सालेपानी गांव, जो कि बबलिया के पास पड़ता है, वहाँ की पेशेंट है। और इनको श्री संजय तिवारी जी, जो एक समाज सेवी भी हैं, तो उनके संपर्क में आई थी ये। तो ये पेशेंट को लेके हमारे हॉस्पिटल में आए। ऑपरेशन के दौरान जो घाव रहता है उसको बेसिकली डिब्राइडमेंट बोला जाता है, वो किया गया है और बच्ची अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ है। हेल्थ केयर हॉस्पिटल के द्वारा ये ऑपरेशन पूर्ण रूप से निःशुल्क किया गया है। साल की बच्ची है गंगावती, इसके नाना को कहीं से खबर लगी कि रोटरी के द्वारा उसकी बच्ची का कहीं से इलाज हो सकता है, तो ये मेरे शोरूम में अपनी बेटी और वो छोटी सी बच्ची को लेकर आए थे। और उन्होंने जब मुझे दिखाया कि इसके हाथ एकदम मवाद निकल रही पका हुआ है, तो मैं तुरंत उस बच्ची को लेकर और डॉक्टर चैतन्य धावर्डे के पास उसका चेकअप कराया। डॉक्टर धावर्डे ने देखने के बाद बोला कि इनका ऑपरेशन तुरंत करना आवश्यक है और आप इनको हेल्थ केयर सेंटर में डॉक्टर गुरमोहन सिंह जी के पास ले जाइए, वहाँ इनका एडमिट करके और हम इसका इलाज करेंगे। जब मैं यहाँ पर आया और डॉक्टर गुरमोहन सिंह से मिला तो उन्होंने उस बच्ची की फाइनेंशियल स्टेटस और वो सब देखते हुए उन्होंने कहा कि संजय, मैं इस बच्ची का जो अपने हॉस्पिटल का कोई भी शुल्क नहीं लूँगा। साथ ही डॉक्टर चैतन्य धावर्डे भी ये बोले कि हमारी जो सर्जरी की फीस होती है तो इस बच्ची के लिए मैं फ्री करूँगा और साथ में इसके बाद भी जो ऑपरेशन करने पड़ेंगे हमको समय समय पर, उस सब का भी मैं निःशुल्क इलाज करूँगा। हमारे डॉक्टर लिली सोशनिक्का, जो हमारी एक रोटेरियन है, वो जो निश्चेतना विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी अपनी फीस लेने से आज सवेरे इनकार कर दिया कि मैं एक रोटरी के इतने एक अच्छे पीड़ित मानवता की सेवा के लिए कितना अच्छा काम कर रही हूँ, तो मैं भी अपनी फीस नहीं लूँगी। तो मैं रोटरी की तरफ से तीनों डॉक्टर्स को और हेल्थ केयर सेंटर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक ऐसी पीड़ित मानवता की सेवा के लिए, कि छोटी सी बच्ची, एक गरीब बच्ची की जो निःशुल्क इलाज किया है, तो इससे ईश्वर जो है वो इनको बहुत इस हॉस्पिटल को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और हमारे रोटरी परिवार की तरफ से मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करता हूँ। संजय तिवारी, असिस्टेंट गवर्नर, रोटरी इंटरनेशनल। लगभग 1 साल से ऑस्टोमाइलिटिस हुआ। ऑस्टोमाइलिटिस मतलब हड्डियों में इन्फेक्शन होना। तो ये जो हड्डियों में इन्फेक्शन हुआ होगा, जो कि देहाती है व्यक्ति, और वो बच्चों का उतना ट्रीटमेंट नहीं करा पाए या फिर जहाँ भी देसी इलाज वगैरह चला होगा, इन सब चीज़ों से वो और कॉम्प्लिकेटेड होता गया। तो सबसे पहले वो पेशेंट यहाँ हुआ का परिचय पूछते पूछते संजय भैया के पास आए थे। भैया ने देखा कि ये कुछ गड़बड़ है और दूसरा उनको ये भी पता चला कि पेशेंट की कंडीशन फाइनेंशियली भी अच्छी नहीं है। तो भैया ने अपने हिसाब से उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए हमारे पास ले आए। तो पहले तो बहुत अच्छी चीज़ लगी कि भैया खुद होके आए, और ऐसे संपन्न लोग अगर हर किसी के बारे में सोचेंगे तो ये तो सबसे अच्छी सौभाग्य वाली बात है। तो
तो भैया लेके आए, बताए कि डॉक्टर साहब इसका जो जो खर्च होगा हम पूरा खर्च उठाने को तैयार हैं, आप बताइए इसका क्या इलाज करना है। तो वो देख के अब हमसे भी नहीं रहा गया, तो हमने बोला भैया हमारे तरफ से कोई फीस नहीं रहेगा, हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। और अब पेशेंट के बारे में बताता हूँ, इसमें एक्चुअली यह इन्फेक्शन सोर्स है, ये आप देखेंगे एक्सरे में तो ये बीच में दिख रहा है ना, इसको सिक्वेस्ट्रम कहते हैं। तो नॉर्मली हड्डी इतनी मोटी नहीं होती, यहाँ पतली होती है, ये जैसे दूसरी हड्डी दिख रही है आपको पतली वैसी ही होती है, बट ये इन्फेक्शन के कारण वहाँ पे बॉडी में इतनी बोन रिमॉडलिंग की कि बॉडी ने नेचुरली उसको मोटा बना दिया। अब इसको नॉर्मल आने में 3-4 साल लगेंगे, बट मेन इंपॉर्टेंट इसका इन्फेक्शन कवर करना, नहीं तो ये और चलता रहा तो ये एक हड्डी से दूसरी हड्डी में या इन्फेक्शन हो सकता है, वक्त के साथ में हाथ कटने तक भी जा सकता है। तो अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी था एक्यूटली इस पर ट्रीट किया जाए, जो डेड टिश्यू उसको निकाल के साफ किया जाए और इसकी हीलिंग की जाए, तो जो कि हमने आज से स्टार्ट कर दिया। आज की पहली सर्जरी थी, सक्सेसफुली हुई है, और यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ड्रेसिंग में आने वाले दिनों में आ जाएगा, सर्जरी की भी अब नेक्स्ट डेज की ज़रूरत ना पड़ना चाहिए जी। ऑन एन एवरेज मल्टीपल सर्जरीज लगनी है तो 1 लाख प्लस ही जाता है इसमें, है ना, क्योंकि एक आप छोटा मोटा भी सर्जरी मानिए तो 25-30 हज़ार जाता ही है इसमें, सब कुछ बेहोशी दवाई वगैरह 2-3 दिन एडमिशन सब कुछ पकड़ के अपन चले, और इसमें अगर मल्टीपल लग गया तो वो आप मान के चले 1 लाख के ऊपर ही जाएगा। सेकेंडली देहाती गांव के पेशेंट में, मतलब हम इन्हें देहाती नहीं बोल रहे हैं, बट ऐसे गांव से इंटीरियर से जो पेशेंट आते हैं इनमें देखने में मैनेज करने में इनमें उतना ही चैलेंजिंग है, क्योंकि अपन जब बुलाते तब आएंगे नहीं, कई बार फॉलोअप अच्छा नहीं रहा तो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो इनके लिए भी ज़्यादा अच्छा है कि ये जहाँ बार बार जा सके, जैसे मंडला में हमसे वो पास में है तो यहाँ हमारे पास आ सकते हैं, ड्रेसिंग के लिए भी आ सकते हैं, यहाँ से बड़े शहर भेजेंगे फिर वहाँ से ये जो फॉलोअप कट जाता है ना, इससे मोस्ट ऑफ पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब पेशेंट पूरी तरह नॉर्मल होने में तो टाइम लगेगा, 1-1.5 साल लगेगा, बट उसका जो वर्किंग पैटर्न है, ये घाव वगैरह अगर ये पहले सर्जरी से हील हो जाता है तो ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने के बाद वो पूरा रूटीन इसमें आएगा। हम अगर इसका फॉलोअप 1-1.5 साल लेना पड़ेगा इसमें, वो राइटिंग वर्क वगैरह सब कर पाएगा। अभी तो बच्चों सिर्फ 2 साल का ही है, तो अभी तो काफ़ी ग्रोथ उसमें होना बाकी है, और दूसरा बच्चों में ग्रोथ प्रोसेस फास्ट भी होती है तो हीलिंग बहुत जल्दी हो जाएगा उसमें, तो सब कुछ कर पाएगा। सिर्फ ये टर्मिनल मोमेंट है जो पूरा हाथ अपन बंद करते हैं, ये वाला भविष्य में आने के चांसेस थोड़े कम है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ बोन रिमॉडल हो चुकी है या जो कोनी वाली हड्डी थोड़ा डैमेज है। बट बच्चों में ऐसे कई फॉलोअप केसेस में ऐसे भी दिखा है, मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल मतलब होते हैं, बोनिंग एरियाज अच्छे से हील होते हैं, तो आने वाले वक्त में ये भी आ सकता है, विद फिजियोथेरेपी वगैरह आ जाएगा उसमें जी। मैं डॉक्टर चैतन्य धाबड़े, हड्डी रोग विशेषज्ञ, मंडला में 3 अस्पताल देखता हूँ मैं, जैसे कटरा अस्पताल, हेल्थ केयर, योगीराज, सब जगह जाता हूँ मैं ऑपरेटिव केसेस के लिए, और नागपुर से वैसे प्रॉपर मैं बिलोंग करता हूँ, मेरा सारे मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से ही हुआ है, MBBS भी, DORT भी, DNB भी मैंने मुंबई से किया हुआ है, और उसके बाद भी बीच में मैं था यहाँ DORT के बाद में अपने मंडला शहर में, तो मुझे यहाँ मंडला का सारा एटमॉस्फेयर काफ़ी भाग गया। इसके बाद भी मुझे ऑफर्स थे बाहर भी जाने के, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ मैं काम भी कर रहा हूँ, सेवा भी दे रहा हूँ, और मेरा मन जुड़ चुका है यहाँ मंडला वासियों से, तो इसलिए मैं मंडला छोड़ के जा नहीं पा रहा हूँ, यहीं सेटल्ड हूँ, और यहाँ सारी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज देख रहा हूँ मैं, ली से लेके घुटना बदली, कॉम्प्लिकेटेड इलीजारो प्रोसीजर, ऐसे कई केसेस हमने यहाँ हो चुके हैं और हमने सारे सक्सेसफुली यहाँ दिए, रिजल्ट दिए।